नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो सिवान सदर चुनाव संपन्न होने के बाद आंध्र प्रखंड में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और जहां जहां चुनावों के रुझान से जहां तक चुनाव का परिणाम जो आ रहे हैं उनमें देखा जा रहा है कि 85% बदलाव का मूड है हर एक पंचायत में, हर एक प्रखंड में। तो आंध्र में भी यही अनुमान लगाया जा रहा है और अरकपुर पंचायत में मौजूद हैं यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी जो हैं अमरनाथ राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव आयोग द्वारा कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है, चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल पर। चैनल के सारे श्रोताओं को हमारे तरफ से नमस्कार है, आपको भी नमस्कार है जो हमारे ये अरकपुर के धरती पर आपने टाइम दिए और आए हुए हैं। हम लोग से एक हम दलित परिवार के हैं और भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और आप से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो चुनाव चिन्ह क्या है, उसको लेकर क्या कहना है जनता से? हमारा चुनाव चिन्ह मोतियों का माला है और जनता से यही कहना है कि इस मोतियों का माला आप बरकरार रखिए और माला पहनाइए और इस जनता का हम हर एक काज में हम उपस्थित रहेंगे और जनता का काज करेंगे। तो अपने पंचायत की जो जनता है जो जाति मजहब धर्म में फंस जाती है और लालच में गलत कैंडिडेट को वोट करती है, उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए कहना है कि जाति धर्म छोड़कर और एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति को जिताइए और कंधे में कंधे मिलाकर चलिए और हमारा यही लक्ष्य है कि हम पूरे पंचायत को आदर्श पंचायत के से देखना चाहते हैं और जनता अगर हमें मौका देती है सेवा करने का तो हम आदर्श पंचायत का सपना हम पूरा करें। तो आप कौन सा मुद्दा लेकर चल रहे हैं? जनता जो है वो बहुत आक्रोशित है, बदलाव के मूड में है और इस पंचायत में भी बदलाव होने जा रहा है, तो कौन सा मुद्दा आप लेकर चल रहे हैं जनता के समक्ष? जी, जनता का समस्या बहुत है। यहाँ जो सरकार द्वारा चलाई जा रही 7 निश्चय योजना है, सही समय से कार्य पूरे 14 वार्ड हैं हमारे इस पंचायत में, 14 वार्ड में 7 नंबर वार्ड का कार्य अधूरा रह गया है और कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो हम 7 निश्चय योजना को लेकर हम जनता को हम यही अपील कर रहे हैं, नली गली का काम भी नहीं हुआ है, अधूरा रह गया है। यहाँ सड़कें दिखा दिया गया है कागज में ये बन गया है लेकिन यहाँ कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो हम जनता से यही अपील करेंगे, जनता का काज यहाँ राशन का जो है, राशन कार्ड बहुत लोग का वंचित रह गए हैं, राशन कार्ड बना नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि जनता का जो भी वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड का समस्या है, अगर हमें जनता मौका देती है तो उनके सारे समस्या का निदान हम करेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं अरकपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी अमरनाथ राम जी, इनका कहना है कि जनता शोषित है, जनता का शोषण हुआ है, उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसे तो मैं कमाने खाने वाला इंसान हूँ लेकिन जनता की हक की लड़ाई मैं लड़ूँगा और जनता मुझ पर विश्वास जता रही है, उस विश्वास को कभी मैं टूटने नहीं दूंगा और जनता के नाम पर जो भी फंड आएगी सरकार द्वारा उन तमाम फंड का लाभ अपने पंचायत के हर एक जनता तक पहुंचाने के लिए मैं कार्य करूंगा और इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर, इस पंचायत का हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।